सब्सक्राइब करें अक्सर स्टार रानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 5 बैग विद द सन का, क्लास 6 का ये चैप्टर 5th है। तो ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया था कि जैसे तानसेन बहुत ही शरारती अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होता है और काफ़ी शरारती नोटी बाई होता है। एक दिन वो देखता है कई लोग हैं जो जा रहे हैं जंगल में से, तो उसको जंगल में रहने के कारण उसको सारी आवाज़ें आ जाती हैं पशु पक्षियों की। तो वो उनको शेर की आवाज़, वो जैसे रेस्ट करते होते हैं तो वो उनको पशु मतलब आवाज़ करके उनको डराता है। तो फिर वो जो हैं वो उनको कहते हैं भाई हम आपके पेरेंट्स को बताएंगे। वो उन्हें डांटते नहीं है लेकिन उनको पेरेंट्स को बताते हैं। तो अभी तक की कहानी मैंने आपको बताई थी, अब आप देख लीजिए आगे अपने रीड करते हैं। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। अब जो तानसेन था वो 11 साल हरिदास जी के पास रहा था, तो वो काफ़ी मशहूर हो गया था, उसे सिंगिंग सिंगिंग बहुत अच्छी आती थी। अब वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। अब कई बार उसने राजा अकबर के सामने भी गाना गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम डैट ही इंस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। अब उसने कहा भी जो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए उससे तानसेन से राजा अकबर कि उन्होंने उसे कहा कि आप मेरे दरबार में दरबार को ज्वाइन करोगे। ओके, तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अभी आगे की जो कहानी है उसमें आएगा। जो तानसेन है वो अकबर के दरबार में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। एक बार उन्होंने राग दीपक गाया था, उसने अपनी बेटी से कहा था और उसकी फ्रेंड से कि वो राग मेघ गाएँ और देखो उसका क्या रिएक्शन हुआ, उसके बारे में बताया गया है। ओके, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। जो तानसेन था वो अकबर के दरबार में 1556 में गया था। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और बहुत जल्दी वो राजा का प्रिय बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब जो अकबर था वो कभी भी जब भी उसका जी करता था तानसेन को बुला लेता, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। अब कई बार तो ऐसा होता था उसको सुनने के लिए वो उसके घर पर चले जाते थे। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। वो उन्हें कई तोहफे भी देता था देते थे। सम ऑफ द कॉर्टियर बिकम जेलस ऑफ तानसेन। तो जो राजा के दरबारी थे वो काफ़ी इससे जलते थे तानसेन से। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून्ड, दे डिक्लेयर्ड। वो कहते थे जब हम तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक तानसेन को हम बर्बाद नहीं कर देते। वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मीन हैड ए ब्राइट आइडिया। उनमें से एक जो दरबारी था शौकत मीन करके, उसको एक आइडिया आया, उपाय वो आया, ट्रिक आई। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड। उसने उससे कहा, उन्होंने कहा भी हम इसको कहेंगे कि तू राग दीपक गा। हाउ विल डैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। वो कहता राग दीपक गाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, दूसरे इंसान ने पूछा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक द हेयर सो हॉट डैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशिस। उसने कहा अगर वो राग, जिसको राग दीपक अच्छी तरह गाना आता है, अगर वो गाना वो गाएगा अच्छी तरह तो वो खुद ही उस इतना गर्म हो जाता है माहौल कि जो इंसान गा रहा होता है वो खुद ही जल जाता है और राग में तब्दील हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड विल बी रिड ऑफ हिम। अब तानसेन है वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो मर जाएंगे और हमको भी इनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मीन वैन टू अकबर एंड सैड वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब शौकत मीन राजा अकबर के पास गए, उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत अच्छा गायकार है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं, हम उसकी परीक्षा लेते हैं। उसको कहते हैं कि तू राग दीपक गा, क्योंकि राग दीपक बहुत कम लोग ही गा सकते हैं। ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट, राजा कहते हैं हाँ वो गा सकते हैं, तानसेन कैन सिंग एनी थिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर राजा कहते हैं तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन परेशान हो जाता है लेकिन वो अपने राजा की बात को मना नहीं कर सकता। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सैड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर पे गए। ही हैड नेवर बीन मोर डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी। आई कैन सिंग द रागा ही टोल्ड हिज, वेट अ मिनट बेटा, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन रखिएगा।
ओके आई ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी. वो कभी भी मतलब निराश नहीं होते थे ना ही खुश उदास होते थे. आई कैन सिंग द रागा. वो कहते हैं वो रागा गा सकते हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा. बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज. वो कहता है लेकिन जब मैंने राग दीपक गाया तो वो जो गर्माहट होगी वो दीपक को तो जला ही देगी, दियों को तो जला ही देगी, लेकिन वो मुझे भी राख में तब्दील कर देगी. देन ही हैड एन आइडिया. इफ समवन सिंग राग मेग एट सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन. परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड. अब वो कहता है मुझे एक उपाय सुझाए. अगर जब मैं राग दीपक गाऊंगा तभी कोई राग मेघ अगर गाता है उसी समय और सही तरीके से गाता है तो बरसात हो जाएगी. तो उसे पता था. हाँ वो कहता है मेरी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ये दोनों अच्छी तरह गा सकती हैं. वो कहता है ही टॉट द टू गर्ल टू सिंग राग मेघ. दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स. अब वो अपनी बेटी और उसकी सहेली को राग मेघ सिखाता है. वो 2 हफ्ते तक इसकी पूरी प्रैक्टिस करती हैं. तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग. तानसेन उनसे कहते हैं तुम लोग इंतज़ार करो जब तक कि लैम्प जलना स्टार्ट नहीं होते हैं. एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग. और जैसे ही दिए जल जाते हैं वैसे ही आप गाना शुरू कर देना. बोथ रागस वेयर संग अकॉर्डिंगली टू प्लान. अकबर पनिश तानसेन्स एनिमी. तानसेन डाइड इन 1585. ओके ये आगे की कहानी है जिसमें हम बताते हैं. द लेजेंड गोज डेट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक. अब सारे जो सारे थे उन जो दिन तय किया गया था भी जिस दिन इसको गाना है तो सारे लोग गाँव के इकट्ठे हो जाते हैं तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए. वैन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकम वॉर्म. जैसे ही उसने गाना शुरू किया जो हवा थी वो गर्म होना शुरू हो गई. सून पीपल इन द ऑडियंस वेयर बाथेड इन प्रिस्पीरेशन. और बहुत जल्द जो लोग बैठे हुए थे वो पसीने में नहा लेते हैं. द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड. अब जैसे ही वो राग दीपक गा रहे थे हवा गर्म हो गई, लोग पसीने में तरबतर हो गए, जो पत्तियाँ थी वो सूखने लगीं और ज़मीन पे गिरने लगीं. एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड्स फेल डेड. जैसे ही गाना चलता रहा पक्षी मरने लग गए. बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉइल. अब क्यों मरने लग गए, क्योंकि जो हवा थी बहुत गर्म हो गई और जो पानी था वो उबलने लग गया. पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प. अब लोग रोने लग गए डर के मारे क्योंकि पता नहीं कहाँ से दीपक अपने आप जलने लग गए. एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ. द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन. उसी समय जैसे ही दिए जले सरस्वती और रूपवती ने अपना गाना स्टार्ट कर दिया, राग में गाना शुरू कर दिया. जो आसमान थे वो बादलों से भर गए और उसी समय ही बारिश आना शुरू हो गई. तानसेन वॉज सेव. तानसेन बच गए. द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी डैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग. अब जो ये कहानी थी मतलब जो जैसे उसको पता चला भाई ये इतनी तकलीफ दे थी ये गाने के बाद अकबर बीमार हो तानसेन बीमार हो गए थे और अकबर को जब ये पता चला वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए. उन्होंने उससे सॉरी कहा क्योंकि उसके कारण उनको बहुत कुछ सहना पड़ा. ही पनिश तानसेन्स एनिमी. जो उसने क्या किया जो तानसेन के दुश्मन थे उनको सजा दी. वेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस. जब तानसेन ठीक हो गए तो सारी जो शहर था उसने खुशियाँ मनाई. तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड. तानसेन तब तक अकबर के दरबार में थे जब तक वो मरे नहीं. वो 1585 में मर गए. ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स. उसने कई और नए राग गाए. तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम फॉर म्यूजिशियन. तानसेन की जो कब्र है वो ग्वालियर में है और ये एक पवित्र स्थान है. यहाँ पे लोग पूजने के लिए आते हैं. वो उनको म्यूजिशियन के लिए एक मतलब पूजने योग्य पिलग्रिम है जगह है. तो ये था आपका तानसेन चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवाऊंगी. ओके थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.